एक तरफ भगवान भोले के भक्त रविवार की रात शहर की सड़कों पर जहां नंगे पैर आस्था के साथ परिक्रमा कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ शहर में मदिरा की दुकानों पर नशेड़ियों की महफिल सजी हुई थी। एक तरफ भगवान भोले के भक्त रविवार की रात शहर की सड़कों पर जहां नंगे पैर आस्था के साथ परिक्रमा कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ शहर में मदिरा की दुकानों पर नशेड़ियों की महफिलें सजी हुई थी। इस वक्त हम मौजूद हैं मारुति स्टेट चौराहे पर और चंद कदमों की दूरी पर जो ऐतिहासिक परिक्रमा लगाई जा रही थी वो शुरू हो चुकी है। काफ़ी तादाद में यहाँ से जो भक्त हैं यहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन अगर आबकारी विभाग की बात की जाए तो उनके मैखाने अभी भी सजे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी तक बियर शॉप करीबन रात के 7:30-7:45 बज चुके हैं लेकिन अभी तक यहाँ पर जो अगर बियर शॉप की अगर बात की जाए वो भी, और जो इंग्लिश देसी शराब है या ठेके हैं यहाँ पूरी तरह से इंजॉय कर रहे हैं लोग, और अगर बात की जाए तो यहाँ पर पूरी तरह से मैखाने खुले हुए हैं। रविवार को भगवान भोलेनाथ की ऐतिहासिक परिक्रमा के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने शराब की दुकान को बंद करना मुनासिब नहीं समझा, मैखाने सस्ते रहे। एक तरफ जहां भगवान भोलेनाथ के भक्त बम बम भोले के जयकारे लगा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ परिक्रमा मार्ग से चंद कदमों की दूरी पर शराब की दुकानों के सामने पियकड़ों की भीड़ थी। सी न्यूज़ के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट।